नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ये 17वां लेक्चर है और इस 17वें लेक्चर में हम आज चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में। अब देखो, इसका जो पिछला लेक्चर था हिंदी व्याकरण का यानी 16वां लेक्चर, वहां पे हमने आपको उपसर्ग के बारे में बता दिया है। तो उपसर्ग के बारे में अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर आप जरूर देखें। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द का ये निर्माण करते हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और इनमें अंतर क्या है, किस प्रकार से आपको पहचानना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों आज, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और साथ ही साथ ये जो संपूर्ण कोर्स है और आज का डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब देखो, प्रत्यय होता क्या है इसको समझे पहले। प्रत्यय मैंने आपको कह दिया है शब्दांश, यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाले, और ये शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल यहां पे बता रहा हूं, लड़ाई है जैसे, ठीक है, यहीं पे इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। तो लड़ शब्द के बाद ये आई शब्द जुड़ गया, तो अब इसमें प्रत्यय कौन हुआ? प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं या अंत से शब्द के सामने आकर उसे परिवर्तित कर देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं प्रत्यय। तो अंत में कौन शब्द जुड़ा? लड़के अंत में जुड़ा आई, और ये बन गया लड़ाई, एक नए शब्द का निर्माण। तो यहां पे प्रत्यय कौन हुआ? तो आई प्रत्यय लगा हुआ है लड़ाई शब्द में। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को कहते हैं प्रत्यय, जो शब्द के अंत में आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो दोनों को अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि प्रत्यय से अधिकांश क्वेश्चन अब इस प्रकार से पूछे जाने लग गए हैं कि निम्न में से बताइए, निम्न शब्द में कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज के बाद आप इस प्रकार के सभी सवालों को, सभी प्रश्नों को आसानी से बिल्कुल सही कर दोगे। तो शुरुआत सबसे पहले एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय क्या होता है? देखो परिभाषा यहाँ पे, वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो कृ से आपको ध्यान देना है क्रिया, कृ से, ये कृ आपको ध्यान देना है, कृ से क्रिया। तो जो क्रिया और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। तो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द या धातु या क्रिया के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं अब उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कृदंत, यानी जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है उन शब्दों को कहा जाता है कृदंत। तो कृदंत कौन होते? जैसे धातु या क्रिया के बाद जब कृत प्रत्यय जुड़ता है और जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है कृदंत शब्द, यानी उससे कोई भी अगर कृदंत शब्द आपका एग्जाम्पल दे रखा है यानी उसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो लेख। अब देखो इससे पहले मैं आपको क्रिया के बारे में पढ़ा चुका हूं, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। जैसे यहां पे लेख है ना, ये धातु है, ये है क्रिया का मूल रूप, धातु से ही क्रिया बनती है। अब देखो ये धातु है, इससे क्रिया कौन सी बनेगी? इससे बनेगी लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है, लिखना क्रिया है, लेकिन लिखना का जो मूल रूप है वो है लेख, लेख से बनाए लिखना, तो लेख क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो धातु या क्रिया में जोड़े जाने वाले जो अंत में जुड़ते हैं शब्द उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तो लेख यहाँ पे क्या है? धातु, और धातु के अंत में जुड़ गया अक, और इसने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया है लेखक। तो अक किसके बाद जुड़ा है? धातु के बाद, धातु या क्रिया, तो ये धातु है, इसकी क्रिया क्या है? लिखना। तो धातु के बाद जब शब्द जुड़ता है तो उस शब्द को कहते हैं कृत प्रत्यय। तो अक यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। और
क्रिया या धातु के बाद अगर कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और जिस नए शब्द का निर्माण होता है उन शब्दों को कहते हैं कृदंत शब्द। तो यहां पे कृत हो जाएगा, कृत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक हो जाएगा, जबकि कृदंत शब्द कौन सा हो जाएगा, लेखक, क्योंकि लेखक शब्द का ही तो निर्माण हुआ है कृत्य प्रत्यय जुड़ने पर। तो लेखक जिस शब्द का निर्माण हुआ है कृत प्रत्यय अंत में लगने पर तो उसे कहते हैं कृदंत, यानी जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो समझ गए आप कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। अभी इसके आगे हम बहुत सारे उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, लड़ाई, तो लड़ एक धातु शब्द है, इसका क्या हो जाएगा क्रिया, इसका हो जाएगा क्रिया लड़ना। तो लड़ना का धातु या मूल रूप कौन है, वो है लड़, और लड़ के बाद जुड़ गया आई। तो देखो लड़ एक धातु है, धातु ही है, और धातु के बाद जुड़ गया है ये प्रत्यय, तो इस आई प्रत्यय को क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे, जो धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं, और नया शब्द क्या बन गया, लड़ाई। तो लड़ाई यहां पे क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द हो जाएगा, आई हो जाएगा कृत प्रत्यय, और यहां पे जो लड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कृदंत शब्द, जो कृत प्रत्यय जुड़ने के पश्चात बनता है। उसी प्रकार से आप देखो यहां पे उड़ में देखो, ठीक है, उड़ का उड़ क्या है यहां पे, ये धातु रूप है, और इसका क्रिया रूप क्या हो जाएगा, उड़ना। तो उड़ यहां पे धातु है, और इस धातु के बाद आन प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, उड़ान बन जाएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें कृत्य प्रत्यय क्या है, तो वो है आन, और इसमें जो कृदंत शब्द है वो हो जाएगा उड़ान, जिसका निर्माण कृत प्रत्यय जुड़ने के पश्चात हुआ है। जब कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ा है तो उड़ान शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि एक कृदंत शब्द है। तो कृत प्रत्यय दोस्तों आपको समझ में आ गया, अभी आगे हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। दूसरा जो प्रत्यय है, दूसरा प्रकार, वो है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम वो विशेषण में जुड़ते हैं अंत में, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय तो हमेशा अंत में ही जुड़ेगा, तो उन शब्दों को कहते हैं तद्धित प्रत्यय, या उन प्रत्ययों को कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं, जो नए शब्द का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं तद्धितांत, यानी जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है उन्हें कहेंगे तद्धितांत। उदाहरण देखो, पंडित धन आयन। देखो पंडित क्या है, पंडित एक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है पंडित, क्योंकि पंडितों के अंतर्गत बहुत सारे पंडित आ जाते हैं, तो पंडित एक संज्ञा है। और परिभाषा में आप देख सकते हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम वो विशेषण में जुड़ते हैं, तो ये संज्ञा है, और संज्ञा के बाद ये शब्द जुड़ गया है आयन। तो संज्ञा के बाद या सर्वनाम या विशेषण के बाद जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय, तो आयन हो जाएगा यहां पर तद्धित प्रत्यय। और इस आयन से क्या हुआ, जब पंडित के बाद आयन जुड़ा तो नया शब्द निर्माण क्या हुआ, पंडित आयन। तो तद्धित प्रत्यय जुड़ने के बाद जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे कहा जाता है तद्धितांत, क्योंकि पंडित आयन के अंत में आयन लगा हुआ है ना, और आयन क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय जब अंत में लगता है जिस शब्द के, तो उसे कहते हैं तद्धितांत। तो ये हो गया नया शब्द का निर्माण, पंडित आयन यहां पर हो जाएगा तद्धितांत। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में समझ गए होंगे। अब ये तो सिर्फ आपको समझाना था, अब करते हैं प्रैक्टिस, और कौन कौन से कृत प्रत्यय होते हैं और कौन कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं उनके उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण जान लेते हैं पहले। देखो कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये देखो ये है यहाँ पे कृत प्रत्यय, अक अन अना अनि आ आई आन ई इया और इत, ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं इन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय, क्योंकि जो ये प्रत्यय हैं ये आपके क्रिया या धातु के बाद में जुड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लेख, ये सारे क्या हैं, ये मूल शब्द हैं या धातु या क्रिया हो सकती हैं, तो अधिकांशतः धातु होती है, ठीक है, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो अधिकांशतः जो ये प्रत्यय होते हैं अगर धातु के बाद जुड़ते हैं तो इन्हें कहा जाता है धातु, यानी जिससे क्रिया का निर्माण होता है,
जैसे ये देखो लेख एक क्या है, धातु है, लिखना, इससे लिखना क्रिया बनती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो जैसे ये उड़ शब्द है, ठीक है, उड़ एक धातु है और उड़ धातु से उड़ना क्रिया बनती है, मिल धातु से मिलना क्रिया बनती है, दौड़ से दौड़ना बनती है, छल से छलना, बढ़ से बढ़ना, पढ़ से पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन धातुओं से क्रिया बनती है। तो ये धातु है, मूल शब्द जो है ये धातु है, तो धातु या क्रिया के बाद जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। तो ये सारे कृत प्रत्यय के यहाँ पे क्या है, उदाहरण है। देखो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं अक। अक एक प्रत्यय है और अक जब लेख के अंत में जुड़ता है तो क्या बनता है, लेख धन अक यानी लेखक। तो अक तो यहाँ पे कृत प्रत्यय है क्योंकि ये लेख धातु के बाद जुड़ा है, और जो नया शब्द लेखक बना है वो कृदंत शब्द कहलाएगा, यानी जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा है हुआ है उसे कहेंगे कृदंत शब्द। उसी प्रकार से पाठ के बाद जुड़ गया अक, पाठक, कृ के बाद अक तो कारक, और गय क्या है, धातु है, गय से गाता क्रिया बनती है, तो गय धन अक यानी गायक। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है, और वो अक प्रत्यय कृत प्रत्यय है क्योंकि ये धातु के बाद लगा हुआ है, जो मूल शब्द है वो धातु रूप है। अब यहां से प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं, जैसे गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय है। गायक में किस प्रकार का प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो अक प्रत्यय है वो एक प्रकार का कृत प्रत्यय है क्योंकि वो गय के बाद में लगा है और गय क्या है, एक धातु रूप है। उसी प्रकार से अन्न, देखो अन्न और ये पाल के बाद जुड़ता है तो पालन, सह के बाद जुड़ता है तो सहन, ने के बाद जुड़ता है तो नयन, और चर के बाद जुड़ता है तो चरण। उसके बाद अना, देखो घट के बाद ये जुड़ता है तो घटना, तुल के बाद जुड़ता है तो तुलना, वंद के बाद वंदना हो जाएगा, विद के बाद हो जाएगा वेदना, मान के साथ जब अन्य जुड़ता है तो माननीय, रम के बाद जुड़ता है तो रमणीय, दृश्य के बाद दर्शनीय, और पूज के बाद पूजनीय। अब यहां पे देखो मान जो शब्द है, मान से मानना, मानना भी क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया का मूल रूप है, ये सारे के सारे क्या है, क्रिया के मूल रूप है, तो मूल रूप सॉरी धातु रूप, ठीक है, धातु रूप हम इनको कहेंगे। तो धातु रूप के बाद जो शब्द जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन सभी प्रत्ययों को कहा जाता है कृत प्रत्यय। आगे देखो आ, देखो यहां पे ठीक है, आ एक प्रत्यय है, यह सुख के बाद जुड़ा है, सुख मूल धातु है क्योंकि सुख से सूखना क्रिया बनती है, भूल से भूलना क्रिया बनती है, तो इस धातु के बाद जब आ जुड़ता है तो यह बन जाएगा आपका सूखा, ये ठीक है सूखा। भूल के बाद अगर आ जुड़ गया तो भूला, जा के बाद आ जुड़ गया तो जागा, और पूज के बाद आ जुड़ गया तो पूजा, इसके बाद आ जुड़ गया तो इच्छा, उसके बाद आई, आई प्रत्यय है तो लड़, लड़का है, देखो लड़ एक धातु है, लड़ से लड़ना क्रिया बनती है, तो लड़ के बाद जब आई जुड़ गया है तो लड़ाई बन गया, सिल के बाद सिलाई, पढ़ के बाद पढ़ाई, चढ़ाई, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं। देखो और इनमें कौन सा शब्द अंत में जुड़ा हुआ है, आई शब्द जुड़ा हुआ है, तो जब भी धातु या क्रिया के बाद कोई भी प्रत्यय शब्द जुड़ेगा तो उस प्रत्यय को कहेंगे कृत प्रत्यय, तो आई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। आन देख लो यहाँ पे, उड़ान हो जाएगा, उड़ के बाद अगर आन जुड़ जाएगा तो उड़ान, मिल के बाद आन जुड़ जाएगा तो मिलान, और दौड़ के बाद जुड़ जाएगा तो दौड़ान। तो ये देखो ये तीनों क्या है, यहाँ पे धातु रूप है, और धातु रूप के बाद आन जुड़ रहा है तो धातु के बाद अगर आन जुड़ेगा तो आन किस प्रकार का प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे यहाँ पे कृत प्रत्यय के उदाहरण, समझ गए होंगे आपकी किन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के बाद आकर या जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय को कहा जाएगा कृत प्रत्यय, और जो उस प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय से बना नया शब्द होगा उसे कहा जाएगा कृदंत शब्द। तो ये सभी यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके और अच्छे से इसको, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्रिया का मूल रूप यानी धातु है या क्रिया के बाद वो शब्द जुड़ा है, तो आप समझ जाओगे कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों के बारे में। तद्धित प्रत्यय मैं आपको समझा चुका हूं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं,
विशेषण के बाद, तो उन शब्दों को कहा जाएगा या उन प्रत्ययों को कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन अगर वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़े होते हैं तब उन प्रत्ययों को कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। लेकिन अगर वो धातु जो क्रिया का मूल रूप होता है, धातु या क्रिया के बाद जुड़ा होता है, तब उसे कृत प्रत्यय कहा जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं, ये यहां पे तद्धित प्रत्यय है। अब कई बार क्या हो सकता है, देखो अब जरूरी नहीं कि प्रत्यय तो ई का प्रयोग, कई बार अगर ई का, जैसे यहां पे ई क्या है, एक तद्धित प्रत्यय है यहां पे, लेकिन अगर ई का प्रयोग, ये तद्धित प्रत्यय क्यों है, क्योंकि ये यहां पे क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ा हुआ है, और तब जाके जैसे सुंदर के बाद, सुंदर एक क्या है, विशेषण है, सुंदर के बाद ई प्रत्यय जुड़ता है तो सुंदरी बनता है। तो जब ये इसके बाद जुड़ जाता है, अभी ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, अभी सिर्फ ये प्रत्यय है, लेकिन जब ये सुंदर शब्द के बाद जुड़ जाता है, क्योंकि सुंदर एक विशेषण है, और जो भी प्रत्यय विशेषण सर्वनाम या संज्ञा के बाद जुड़ता है तो तब उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय, उससे पहले नहीं कहा जाता है, उससे पहले सिर्फ वो एक प्रत्यय है। और अगर ये यही ई शब्द किसी क्रिया या धातु के बाद जुड़ा होता तब इस ई शब्द ने क्या कहलाना था, कृत प्रत्यय कहलाना था। तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे प्रत्यय मैंने लिखे हैं वो केवल तद्धित प्रत्यय है, नहीं दोस्तों, ये आपके कृत प्रत्यय भी हो सकते हैं, बशर्ते अगर वो क्रिया और धातु के बाद जुड़े हों। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय की पहचान कब होती है, जब वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद या क्रिया और क्रिया के मूल रूप यानी धातु के बाद जुड़े होते हैं, तब हम उनकी पहचान कर पाएंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय के। तो यहाँ पे यह शब्द है पंडित, पंडित एक संज्ञा है, ठाकुर भी एक क्या है, संज्ञा है। तो पंडित के बाद जब आयन जुड़ता है तो क्या बनता है, पंडितायन बनता है। तो पंडित एक संज्ञा है और संज्ञा के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ता है तो उसे कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे पंडित के बाद आयन प्रत्यय जुड़ गया तो आयन यहाँ पे कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जब पंडित के बाद जुड़ता है तो जो नए शब्द का निर्माण होता है पंडितायन, वो एक तदितांत शब्द कहलाएगा, यानी जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पंडित के अंत में क्या है, आयन प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो एक तद्धित प्रत्यय है, तो पंडितायन क्या हो जाएगा, तदितांत प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से ठाकुर धन आयन तो ठाकुरायन हो जाएगा। दूसरा है आई, तो देखो पंडित, ठाकुर और चतुर, चतुर क्या है, विशेषण है, वह चतुर आदमी है, उसकी विशेषता क्या है कि वह चतुर है। रमेश चतुर है, तो रमेश की विशेषता क्या है कि वो एक चतुर व्यक्ति है, चतुर रमेश है। तो विशेषण के बाद भी यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है चतुर धन आई, और ये बन रहा है चतुराई। तो विशेषण के बाद जो प्रत्यय जुड़ता है उसे भी हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही लेकर आते हैं। तो पंडित यहाँ पे संज्ञा है, ठाकुर भी संज्ञा है, चतुर यहाँ पे विशेषण हो गया, और इनके अंत में आई जुड़ गया, तो पंडित के अंत में पंडितायन हो गया, ठाकुर के अंत में जुड़ गया तो ठाकुराई, और चतुर के अंत में जुड़ गया आई तो चतुराई। यहाँ पे इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तीसरा है आनी, तो सेठ और नौकर दोनों संज्ञा के उदाहरण है, तो सेठ के बाद जुड़ गया आनी तो सेठानी बन गया, और नौकर के बाद जुड़ गया तो नौकरानी बन गया। आयत को देखो यहाँ पे, बहुत, बहुत भी क्या है, एक विशेषण है, प्रविशेषण है, ठीक है। पंच और अपना, अपना तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहलाया जाएगा। वो तो बहुत, पंच और अपना के बाद कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, आयत, तो बहुतायत, पंचायत और अपनायत, तो ये आयत भी क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और इस तद्धित प्रत्यय के जुड़ने के पश्चात जिस नए शब्द का निर्माण हुआ है वो कहलाएगा तद्धितांत प्रत्यय। उसी प्रकार से आर और आरा हो गया, आहट हो गया, देखो चिकना और घबरा, ठीक है, तो घबरा चिकना धन आहट, चिकनाहट घबरा धन आहट घबराहट, तो ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है। कन वर बल के बाद इष्ट अगर जुड़ गया है तो ये कनिष्ठ वरिष्ठ बलिष्ठ बन गया। और ई देखो सुंदर यहाँ पे विशेषण है, पक्ष खेत ढोलक, इनके बाद ई जुड़ गया तो ये सुंदरी पक्षी खेती ढोलकी बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। पिछला लेक्चर उपसर्ग से संबंधित था और आज का ही लेक्चर प्रत्यय से संबंधित था। तो उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। डिटेल्स मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, कई उदाहरणों के माध्यम से मैंने यहाँ पे
आपको समझाने का प्रयास किया है और हर कोशिश की ताकि आप पूरी तरीके से समझ सके। और अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है प्रत्यय से या कृत प्रत्यय से या तद्धित प्रत्यय से, तो आप उसे सही कर पाओगे। तो ये था दोस्तों आज प्रत्यय वाला टॉपिक, और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।